फोर्थ हमारा फ्रेगमेंटेशन है, जिसमें हम लोग जिस एस्पायरोगायरा के बारे में देखें कि एस्पायरोगायरा, तो ये हमारा एस्पायरोगायरा हो गया जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में रहता है। यहाँ जो दिख रहा है ये क्या है, आपका सेगमेंट है, ठीक है। तो जब ये एस्पायरोगायरा मेच्योर हो जाता है तो ये अपने सेगमेंट से ब्रेक कर जाता है और न्यू एस्पायरोगायरा बना लेता है। एस्पायरोगायरा का मल्टीपल्स, एस्पायरोगायरा का मल्टीपल सेगमेंट होता है, जब थ्री सेगमेंट भी हो सकता है, फोर सेगमेंट भी हो सकता है, फाइव सेगमेंट भी हो सकता है, मल्टीपल सेगमेंट हो सकता है। तो एस्पायरोगायरा जो है जब मेच्योर होता है तो अपने सेगमेंट के पास से ये ब्रेक कर जाता है और न्यू एस्पायरोगायरा बना लेता है। तो ये हमारा एसेक्सुअल का फोर्थ हो गया फ्रेगमेंटेशन, जिसके थ्रू हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। कैसे, जब मेच्योर होने के बाद ये ब्रेक कर जा रहा है अपने सेगमेंट से और न्यू एस्पायरोगायरा बन रहा है, यानी कि एक एस्पायरोगायरा से मल्टीपल एस्पायरोगायरा डेवलप हो गया है। नेक्स्ट है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्लेनेरिया, जिसमें कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया जिसके पूरे बॉडी में रीजनरेशन का पावर होता है। अगर इसको हम लोग थ्री पार्ट्स में कट कर देते हैं तो ये फिर थ्री न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा। जैसे ये थ्री पार्ट में कट गया तो इसमें न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा। ये न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो गया, ये क्या कहलाएगा, रीजनरेशन। इसके पूरे बॉडी में रीजनरेशन का पावर है। जैसे आप लोग लिजार्ड में देखते हो कि उसका टेल अगर कट जाता है तो वो फिर से डेवलप हो जाता है, तो लिजार्ड के टेल में रीजनरेशन का पावर होता है, लेकिन उसके पूरे बॉडी में रीजनरेशन का पावर नहीं होता है। अगर उसके नेक पे कट, नेक के पास कट कर दिया जाए तो वो फिर मर जाएगा, उसमें डेवलपमेंट नहीं होगा, न्यू सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन ये प्लेनेरिया जो है इसमें पूरे बॉडी में रीजनरेशन का पावर होता है, अगर ये किसी भी पार्ट से कट जाता है तो न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है। इसे रिप्रोडक्शन का पार्ट हम लोग नहीं मानते, क्योंकि अगर हम प्लेनेरिया को लेके कट तो नहीं करते रहेंगे ताकि न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो, तो आखिर इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो इसमें रिप्रोडक्शन बडिंग के थ्रू होता है। इस प्लेनेरिया में भी इसके बॉडी पे छोटे से बर्ड्स का डेवलपमेंट होता है और फिर ये न्यू, फिर ये बेबी प्लेनेरिया डेवलप करेगा, उसके बाद ये डिटैच हो जाएगा और फिर न्यू प्लेनेरिया का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरह न्यू प्लेनेरिया डेवलप हो जाता है। तो इसमें रिप्रोडक्शन कैसे हुआ, बडिंग के थ्रू हो रहा है, लेकिन रीजनरेशन का पार्ट इसलिए है क्योंकि इसके बॉडी में, पूरे बॉडी में रीजनरेशन का पावर है। अगर किसी भी पार्ट से कट कर दिया जाए तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन ये जो रीजनरेशन होता है वो एक्सीडेंटली होता है, किसी कारणवश अगर ये कट जाता है तो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू बार बार वो कटता नहीं रहता है, जैसे फ्रेगमेंट, ये जैसे कि फ्रेगमेंटेशन में जैसे स्पायरोगायरा मेच्योर होने के बाद ब्रेक करता है, वैसे ये ब्रेक नहीं करता, एक्सीडेंटली अगर कट गया तो न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा, नहीं तो इसमें बडिंग के थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है।